Hi guys, this is Mansi, your English educator at Unacademy. Welcome to Unacademy 9 and 10 और उसके साथ साथ another lecture of our super amazing Aagaaz series जहाँ पे we want each and every student of ours to study with 100% determination. और उसी determination के साथ I have got another topic for you which is analytical paragraph. अब ये एक ऐसा topic है class 10 का जिससे पता नहीं कितने बच्चे तो डरते हैं. क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने आपके लिए इस बार एग्जाम्स में इंट्रोड्यूस करा था एक छोटा सा चेंज विच वाज दिस क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन चेंज से ज्यादा हर बच्चे के लिए चैलेंज बन गया. लेकिन आज हम बनाएंगे उस चैलेंज को इजी और सिक्योर करेंगे पूरे के पूरे 5 मार्क्स जो ये टॉपिक हमें दे सकते हैं. सो लेट अस बिगिन विद अ सुपर अमेजिंग टॉपिक विच इज एनालिटिकल पैराग्राफ. बट उससे पहले Here's a quick introduction about myself. So people, my name is Mansi Gupta and I've been BCom honors from Delhi University. जिसके साथ साथ है 5 years of teaching experience and बाकी की details side पे रखते हैं. काम की बात ये है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो with the hashtag Live School Daily ताकि वो बेचारे जो इस टॉपिक से इक्वली डरते और घबराते हैं उनको भी पता चल जाए कि इट इज नॉट दैट ईजी. और वो 5 नंबर तो डेफिनेटली आज के लेक्चर के बाद हमारी पॉकेट में रहने वाले हैं. नाउ पीपल मूविंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो ओवर अनअकैडमी, तो ये है प्लस प्लेटफॉर्म. एग्जाम्स तो सर पे है ही, पढ़ाई वढ़ाई कुछ हुई नहीं है, सोल्यूशन है आपके सामने, यू कैन कंसिडर दिस. तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको गोल चूज करना होता है और उसके अकॉर्डिंग चूज करना होता है अपना टेन्योर. तो यहाँ पे यू हैव द टेन्योर दैट्स क्लास 9, 10, 11, सॉरी टेन्योर नहीं है, गोल्स हैं क्लास 9, 10, 11, 12. और यहाँ पे आपको इन क्लासेस के लिए, सो बेसिकली दिस इज लाइक वन गोल. ठीक है, तो जैसे अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया क्लास 9 में भी, तो जो बचा हुआ टेन्योर है वो आप क्लास 10 में यूटिलाइज कर सकते हो, क्लास 11 में यूटिलाइज कर सकते हो. दिस इज हाउ इट गोज. तो यहाँ पे आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं होने वाला है, तो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ पाओगे अपने चोजन टेन्योर के अकॉर्डिंग. और एडिशनल 10% डिस्काउंट हर गोल पर, हर टेन्योर पे ले सकते हो विद रेफरल कोड मानसी लाइव. तो मानसी माय नेम फॉलोड बाय लाइव वुड गिव यू 10% डिस्काउंट ओवर अन अकेडमी प्लस. 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे अगर ये कोड यूज करोगे तो प्राइस हो जाएगा 22,500 या फिर 1 साल के लिए 13,500 फॉर ऑल द सब्जेक्ट. वैसे ही वी हैव फाउंडेशन एनटीएससी एज अनदर कैटेगरी और यहाँ पे भी आपको अलग अलग टेन्योर्स दिखते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे विच इज 12 मंथ और 24 मंथ के टेन्योर पे. और 24 मंथ में तो यहाँ पे आपको 75% डिस्काउंट मिल जाता है, वो तो एक सुपर अमेजिंग डील है ही है. और एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए क्या करोगे, रेफरल कोड यूज करोगे मानसी लाइव. और यहाँ पे फाइनल प्राइस हो जाएगा पूरे के पूरे 1 साल के लिए 15,750 या फिर 2 साल के लिए 18,900 ओनली. और अब बात करते हैं वो सुपर अमेजिंग स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने लास्ट लेक्चर में दिए सुपर अमेजिंग और फास्टेस्ट और करेक्ट आंसर्स. तो कांग्रेचुलेशंस चार्मी, जानवी एंड सागर तिवारी, वेरी नाइस पीपल. सो यू गाइस वर द फास्टेस्ट. तो यहाँ पे ए एंड सी वर द राइट ऑप्शंस फॉर द लेक्चर दैट इट हैपेंड ऑन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. अगर अभी तक भी चेक नहीं करा है तो जल्दी से जाके चेक करो. हमने ऐसे बिल्कुल झटके से पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया था, सो दैट इज परफेक्ट फॉर अ सुपर क्विक रिवीजन. सो चेक दैट आउट इफ यू हैवंट चेक्ड इट येट. और अगर आपको भी सुनना है कांग्रेचुलेशंस और अपना नाम चाहिए स्क्रीन पे, तो क्या करोगे, होमवर्क क्वेश्चंस जो हर लेक्चर के एंड पे आते हैं उनका आंसर दोगे सबसे जल्दी इन द कमेंट सेक्शन जैसे ही लेक्चर खत्म होता है. और फिर आप देख सकते हैं खुद को स्क्रीन पे एंड ऑल ऑफ अस वुड बी अपलोडिंग यू. चलो गाइस विद दिस थॉट आज का टॉपिक शुरू करते हैं विद इज एनालिटिकल पैराग्राफ. आज भी मिलने वाले 2 होमवर्क क्वेश्चन लेकिन विद अ ट्विस्ट. ट्विस्ट क्या है जब पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस पे लैंड करेंगे. सो नाउ कमिंग बैक टू एनालिटिकल पैराग्राफ. अब ये एक ऐसा टॉपिक है, सबसे पहले तो देखो शॉर्ट 5 मार्क्स देगा, तो ये तो कभी मत सोचना कि इसको लाइटली ले लें. 5 मार्क्स शॉर्ट ऐसा आपको कहीं डील नहीं मिलेगी जिसमें आपको ये बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन आएगा और नंबर भी इतने मिल जाएंगे और बहुत मुश्किल नहीं है. रादर आई वुड से देयर आर थिंग्स जिसके बारे में हमें बहुत सोचना पड़ता है. जैसे स्टोरी है, पूरी की पूरी स्टोरी माइंड में बनाओगे तब पेपर पे लिख पाओगे. एनालिटिकल पैराग्राफ के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको प्लेट पे सब कुछ सर्व होता है क्वेश्चन पेपर में. बस हमें क्या करना है, हमें अपनी इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हमें वी शुड नॉट बी फेसिंग दैट लैक ऑफ वर्ड्स दैट वी जनरली डू.
तो यहाँ पे देखो इंग्लिश को एज करने का एक बहुत ही इजी तरीका है, दैट इज वोकैब को स्ट्रॉन्ग करो, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कैटर, बट हाँ ट्विस्ट अभी नहीं बताऊंगी। सो वी विल नाउ टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल पैराग्राफ। सो एज द नेम सजेस्ट, एनालिसिस और पैराग्राफ, ये आपको दो मेन वर्ड यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं। तो ये एक पैराग्राफ है जो आप कुछ डेटा, इंफॉर्मेशन, आउटलाइन, ग्राफ, उनके बेसिस पे एक एनालिसिस करके लिखते हो। तो शायद आप लोगों ने बचपन में कभी पढ़ा होगा डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज एग्जैक्टली दिस थिंग। तो चलो अब देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस राइटिंग स्किल। तो सबसे पहले क्या करोगे, सुपर इजी। देखो सबसे पहले लिखना है आपको इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, व्हाट इज द डेटा अबाउट, डेटा किस चीज के बारे में, यही क्वेश्चन आंसर करना है। तो अगर आपके सामने उस ग्राफ को दिखा के, या वो जो भी डेटा है उसको दिखा के आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज इट अबाउट, उसका जो आंसर आपके माइंड में आएगा वही है आपका इंट्रोडक्शन, वही है आपका इंट्रोडक्शन। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट गो टू वे मोर एलैबोरेटिव ओवर दैट इन्फॉर्मेशन, जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप इट क्वाइट क्रिस्प। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट आता है बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। अब बॉडी ऑफ द पैराग्राफ इतना जेनरिक टर्म है कि मैम इसकी डेफिनेशन तो मुझे आज तक मिली नहीं। डू नॉट वरी पीपल, एग्जैक्टली इसमें क्या लिखना है, देखो जब आपको डेटा गिवन होगा तो कुछ ना कुछ नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है, कोई ना कोई फिगर्स गिवन होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होगा। तो आपको क्या करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, बॉडी में आपको वो नंबर्स मेंशन करने हैं, कंट्रास्टिंग है तो कंट्रास्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं। अगर आप उसमें कोई रिलेशन बना सकते हो तो रिलेशन बना के रिप्रेजेंट कर दो। आपको बेसिकली जो भी डेटा उसमें गिवन है, न्यूमेरिकली गिवन होगा, ठीक है, उसको आपको अब यहाँ पे कन्वर्ट करना है सेंटेंसेस में, एंड दैट कम्स आउट टू बी योर बॉडी। कहीं उसमें रिलेशन या कंट्रास्ट एक्सप्रेस कर सकते हो, वेरी गुड, और कोशिश करना, हो जाएगा, एंड आई विल टेल यू ऑल्सो हाउ टू डू इट। नेक्स्ट यू कम अप ऑन द कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब यही है, काम खत्म। तो काम खत्म है तो जल्दी से समराइज कर देना उसको, क्योंकि काम खत्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन पड़े उसको भी ये समझ आना चाहिए कि काम खत्म हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप उसको दो लाइन में समराइज कर देना। बस एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे गलत करके आते हैं, डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ओपिनियन। आई फील दैट वी शुड बी डूइंग दिस शुड नॉट बी देयर। कंक्लूजन आपको ऐसा अपने माइंड से कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम होना ही नहीं चाहिए था, या ये हो गया तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैम मेरा तो दिल खुश हो गया। प्लीज डू नॉट इंक्लूड सच स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आपका पर्सनल ओपिनियन किसी ने नहीं मांगा, तो बिल्कुल मत लिख के आना, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब वो कौन सी टिप्स हैं जो हमें दे सकती हैं वो एज, कि मैम मेरी इंग्लिश टीचर की तो आदत है हमेशा नंबर कटते ही कटते हैं, कैसे ना कटें, फॉलो दीज टिप्स और नहीं कटेंगे। सबसे पहले आपको देनी है एक टेक्निकल स्टार्टिंग। अब मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन अबाउट दी टॉपिक, तो वो इंट्रोडक्शन में ट्राई करो, बिल्कुल टेक्निकली स्टार्ट करो। द रिपोर्ट इज अबाउट, द चार्ट शोज, द ग्राफ एग्जिबिट, ऐसे स्टेटमेंट यूज करो कि कहीं से भी इट शुड लुक सुपर प्रोफेशनल एंड सुपर टेक्निकल। यू नीड नॉट इंक्लूड योर फीलिंग्स, इमोशंस, ओपिनियन, कुछ नहीं इंक्लूड करना, सुपर क्रिस्प, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पूरा का पूरा गेम है, इन्फॉर्मेशन बेसिक है जो सबके पास है, इधर आपके बहुत ज्यादा आइडियाज काम नहीं आने वाले हैं। क्यों नहीं आने वाले, वही इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड के क्वेश्चन पेपर में भी है और जो आपके पीछे बैठा हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर में भी है। लेकिन ऐसा क्या करो कि आपको ज्यादा नंबर मिल जाए, तो वर्ड यूज करो, वो क्या आपको स्ट्रॉन्ग करो इस टॉपिक के लिए। क्या करोगे, जैसे वर्ड लाइक स्काई रॉकेटेड। अब जैसे मैंने बोला कंट्रास्ट, तो अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है, लेट अस सपोज द नंबर ऑफ पीपल शॉपिंग ऑन रेगुलर बेसिस वर 18 अ टाउन, ठीक है, लेट अस सपोज I am a big fan of shopping, so मैं ऐसे ऐसे example देती हूँ, ठीक है। So let us suppose there were 18 a town. अब 80 से वो सीधा हो गए 150. So that is the number which is skyrocketed, ठीक है। अब let us suppose उल्टा हो गया, 150 से हो गए 80. So it has leveled off or dropped down. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है। तो जैसे इंक्रीमेंट हो तो वो इंक्रीमेंट के लिए भी कुछ वर्ड यूज कर दो, जैसे स्काई रॉकेटेड है, स्ट्राइकिंग इंक्रीज है, पीक मतलब जहाँ पे सबसे टॉप पे हो, और डिक्लाइन, लेवल्ड ऑफ, ड्रॉप डाउन जैसे वर्ड्स जब कोई चीज नीचे आ रही हो, नंबर इज कमिंग डाउन, इट इज फॉलिंग डाउन, ठीक है। तो ये एम्फोसिस करेगा नंबर के मूवमेंट पे, अब नंबर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नंबर पढ़े बिना भी किसी को समझ आ जाए कि हाँ यहाँ पे तो बढ़ा है, यहाँ पे तो घटा।
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज, ट्राई एंड राइट डाउन दी फिगर्स इन कनेक्ट और कंट्रास्ट विद ईच अदर। कोशिश करो कि वो जो नंबर्स हैं उनको ऐसे मत लिखो इन द ईयर 2001 दिस वाज रिकॉर्डेड, इन द ईयर 2003 दैट वाज रिकॉर्डेड। नहीं, ये बहुत ही प्लेन स्टेटमेंट है और लिख के आओगे तो दो नंबर मिलेंगे, नहीं चलेगा। क्या करना है आपको, कनेक्शन बिठाना है, कंट्रास्ट बिठाना है, नंबर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ट्राई यूजिंग दोज वर्ड्स एंड स्टेटमेंट जो ये डिपिक्ट करे कि हाँ ऐसा हुआ, एंड दैट इज हाउ यू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप इन इट। रिलेशनशिप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है, एक हट्टे भी ला सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज खुद से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन। मतलब क्या है, प्रोनाउंस लाइक आई वी आर नॉट सपोज टू बी यूज हियर, नहीं यूज करने। दिस हैज टू बी फॉर्मल एंड थर्ड पर्सन सॉर्ट ऑफ राइटिंग स्किल। और ये एक ऐसा राइटिंग स्किल है जो थोड़ा फोकस करता है पैसिव वॉइस पे। क्यों, इसको मतलब नहीं है किसने रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया उससे मतलब है। और इसलिए पीपल डू नॉट वरी, पैसिव वॉइस का लेक्चर आपके लिए आ रहा है ऑन संडे एट 2 o'clock, अंडरस्टूड पीपल। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये कौन से वर्ड्स हैं मैम, आप बोल रहे हो वोकैबुलरी वोकैबुलरी वोकैबुलरी, तो आपकी मैम ने ये काम भी आसान कर दिया। आई हैव गिवन यू वर्ड बैंक। देखो अब जैसे जब आपको रिप्रेजेंट करना हो नंबर, तो आप लिख सकते हो टू थर्ड ऑफ, ठीक है, जैसे टू थर्ड, वन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। और यू कैन राइट वन टेंथ ऑफ द पॉपुलेशन, अगर आपको दिख रहा है पाई चार्ट है, आपको दिख रहा है कि 25% लोग वही कर रहे हैं, वन फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन लिख दो 25% की जगह, कहीं 25% लिख दो, कहीं 1/4 लिख दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि परसेंटेज में चले तो वैसे ही चलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चले तो वैसे ही चलना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से वेरिएशन दो, क्योंकि ये इंग्लिश है, जितना आप वैरायटी दिखाओगे उतना रीडर को अच्छा लगेगा, रीडर को अच्छा लगेगा इज इक्वल टू अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर यू कैन राइट नियर अबाउट दिस मच। तो जैसे सपोजिंगली नंबर या परसेंटेज है 70%, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो हो सकता है लिखा हुआ आपके पास 68% की जगह लिख दो नियर अबाउट 70%, राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। या फिर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, ज्यादा है तो मेजोरिटी, कम है तो माइनॉरिटी। या फिर जैसे सपोजिंगली किसी चीज में डेसिमल है, अगर ये होता है 7.2%, ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया अ लिटिल ओवर 7%, अ लिटिल ओवर 7%। या फिर कोई नंबर आप देख रहे हो बिल्कुल ही ट्रिपल हो गया, ठीक है, तो आपने लिख दिया थ्राइस द नंबर ऑफ, डबल द नंबर, ट्वाइस द नंबर ऑफ, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ, सो दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट नंबर, ठीक है, प्ले विद देम। अब उसके बाद, अब अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो वर्ड्स तो बहुत ही अच्छे से चूज करने पड़ेंगे, वरना स्ट्राइक ही नहीं होगा कि लिखो क्या, क्योंकि पेपर में 1-2 लाख सब बच्चे दिखाते हैं, एक वर्ड माइंड में आ गया और उसी को रिपीट 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 करते रहते हो। नहीं यार, रेपिटेशन नहीं चलेगा, वेराइटी दो, दिखाओ एग्जामिनर को कि मुझे आता है। कैसे दिखाओगे, अलग अलग वर्ड यूज करके। अगर कंट्रास्ट डिपिक्ट करना है तो वेयर एज भी लिख सकते हो, स्ट्राइकिंग डिफरेंस भी लिख सकते हो, बट इन द ऑपोजिट केस भी लिख सकते हो, इन कंट्रास्ट विद भी लिख सकते हो। अब ये ऑप्शंस है, इसके अलावा भी काफी कुछ लिख सकते हो। सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करनी है तो सिमिलरली भी लिख सकते हो, ऐसी और भी ऑप्शंस है आपके पास। और जब कंक्लूजन देना है तो यहाँ पे व्हेन यू वांट टू कंक्लूड इट तो क्या करोगे, यूज वर्ड लाइक इन द नटशेल, सो दिस दैट्स अ फ्रेज, इन द नटशेल, overall, for the given data, subsequently, these are the words that you can use. So, मैंने आपको दे दिया पूरा का पूरा word bank. Do not forget to download it from the link जो मैं आपको दूंगी video के end में. ठीक है, अब देखते हैं एक अच्छा सा example question. So, यहाँ पे the graph given below, next slide में दिखेगा आपको. The graph given below makes it quite clear that the number of female children has drastically declined since 1991, even in the capital of the country. The number is getting abysmally low in various states. Using the data given below, write a paragraph on the decreasing number of females in the country. So, यहाँ पे आपको एक clearly question क्या कह रहा है, देखो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना. Question कह रहा है कि females का number गिर रहा है, ठीक है? आपको एक graph दिया हुआ है, जिसके ऊपर आपको एक paragraph बना दे. खाली क्या करना है, कनेक्ट दोज नंबर्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐड करो, एक बुके बना दो पूरा का पूरा पैराग्राफ का और दे दो एग्जामिनर को, 5 नंबर मिल जाएंगे। अब ये है आपके सामने वो ग्राफ, तो ये दिखा रहा है जेंडर रेशियो, तो ये है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। जैसे 1991 में सबसे पहले ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, फॉर एनीबडी जिसको ये लगता है कि मेरे ग्राफ्स वीक हैं, स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करो।
अब जैसे यहाँ पे देखो 1991 में 876 फीमेल्स वर बोर्न इन जब आउट ऑफ थाउजेंड नॉट आउट ऑफ एक्चुअली इट एवरी फॉर एवरी थाउजेंड बॉयज 867 फीमेल्स वर बोर्न. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 809 तो इफ देयर वर 1000 बॉयज बोर्न तो उसी रेशियो में 809 गर्ल्स वर बोर्न. ठीक है, सो एक्चुअली होना क्या चाहिए 1:1. भगवान थोड़ी बोलते हैं कि नहीं लड़कियां कम हो लड़के ज्यादा हो, तो इंसानों में कम कैसे हो जाती हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज वांटिंग टू आस्क फ्रॉम यू. अब यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में होता कि मेजर्स हो, क्वेश्चन में होता है मेजर्स हो तो मेजर्स इट इज कि हाँ ठीक है ये रेशो कैसे इम्प्रूव हो सकता है, लोगों को हमें और अवेयर कराना चाहिए फॉर द पार्ट की जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करें. ठीक है, कितने सारे मतलब अभी भी फीमेल फीटिसाइड जैसे एक्ट होते हैं इंडिया में, सो वी शुड बी अबॉलिशिंग दोस थिंग्स, बहुत ही स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगानी चाहिए. तो ये हो गए मेजर्स, बट इस क्वेश्चन में आपसे मेजर नहीं मांगे, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे. आई हैव गिवन यू अ सैंपल आंसर, अगेन आई एम टेलिंग यू आई हैव गिवन यू अ सैंपल आंसर, योर आंसर कैन डिफर फ्रॉम दिस वन. अब मैंने क्या लिखा है इसके लिए, ये एक सैंपल, द ग्राफ शोज द जेंडर रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन दिल्ली ranging from 1991 to 2006. So, ये वो timeline है, ठीक है, और यहाँ पे वो है topic. Taking the average of the data, ratio comes to near about 80% for all these years. So, अगर हम average में बात करें तो 80% है, अगर 100% लड़कियाँ हैं तो उसमें से उसके comparison में 80% लड़कियाँ मिलेंगी. From 1991 to 2002, swift decline. मतलब बहुत ही शार्प नहीं था, ऐसा नहीं है कि नंबर बहुत ही ज्यादा कम हो गया, धीरे धीरे करके कम हो रहा था. तो इन 3 सालों में नंबर धीरे धीरे करके कम हुआ, 876 से नीचे पहुंच गया 796. ये है ऑब्जर्वेशन. उसके बाद हाउएवर लेकिन कुछ अलग हुआ, कुछ कॉन्ट्रेरी वाला हुआ, अ स्ट्राइकिंग इंक्रीमेंट केम इन द वेरी नेक्स्ट ईयर एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स वेंट अप टू 860. तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से अगले साल का रेशो बढ़ गया और पहुंच गया 860 पे. ठीक है, तो वो क्या हो गया 860:1000 ऑल ऑफ अ सडन द वेरी नेक्स्ट ईयर. ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से ऑन द कॉन्ट्ररी द नंबर अगेन फ्लक्चुएटेड फ्रॉम 823 to 728 इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स. लेकिन अगेन अगले सालों में नंबर फ्लक्चुएट करता रहा इन बिटवीन 823 to 728. अब देखो मैंने यहाँ पे साल लिखे एक्चुअली में न्यूमेरिकली, यहाँ पे मैंने लिखा स्विफ्ट डिक्लाइन आया, फिर लिखा कि क्लियरली इंक्रीमेंट आया, नंबर नहीं भी पड़ती तब भी समझ आता कि हाँ इंक्रीमेंट आया, और उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन में अब फिर क्या हुआ, फिर से फ्लक्चुएशन आता रहा लेकिन लोअर साइड पे 3 सालों तक. अब यहाँ पे 2002 के बाद अगला साल 2003 हो गया और उसके अगले साल 4, 5, 6 हो गए. इवन इफ आई एम नॉट मेंशन डजंट मैटर, ये ऐसे ही हम वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. नाउ primarily the graph clearly indicates gradual decline in the ratio. So, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम इन्फर कर रहे हैं ग्राफ से क्या है कि नंबर तो नीचे ही जा रहा है. ठीक है, ओवरऑल एज अपोज्ड टू द प्रिवेलिंग ट्रेंड द रेशियो शैल बी एक्सपेक्टेड टू बिकम बेटर इन द फॉरकमिंग ईयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी. लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमने लिखी ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, जिसको आप और इलैबोरेट कर सकते हो, आई हैव गिवन अ वन लाइन बिकॉज आई वाज फेसिंग लैक ऑफ स्पेस आल्सो, हाउएवर यू कैन इंक्रीज इट. तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लेकिन ये रेशो अब के टाइम में, क्योंकि अब हम है 21st सेंचुरी में, तो हो सकता है कि बढ़ जाए बिकॉज पीपल नाउ आर मच मोर अवेयर एंड ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स बोथ द जेंडर. ठीक है, अब हम आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पे. इफ इन केस यू हैव एनी डाउट फॉर दिस टॉपिक फील फ्री टू राइट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. और अब होमवर्क क्वेश्चन आई टोल्ड यू है विद अ ट्विस्ट, तो ट्विस्ट क्या है, अब होमवर्क क्वेश्चन एक्चुअली है वो कैब बूस्टर. यस पीपल, तो आज का सेशन मैंने बोला टॉपिक से ज्यादा वो कैबलरी पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए आई थॉट व्हाई नॉट आई शुड बी गिविंग यू सम वोकैब क्वेश्चंस टुडे. देखते हैं कितना आता है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया है फ्रेज विच इज अप टू द मार्क एंड आई आस्क्ड यू द मीनिंग ऑफ, क्या मीनिंग है इसका, फील ग्रेटली एज पर द स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विश और बिलो द स्टैंडर्ड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप टू द मार्क, फील ग्रेटली एज पर द स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विश और बिलो द स्टैंडर्ड. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक,
To be cheated, lazy, to conform, or a difficult problem. What is the meaning of a hard nut to crack? Is it to be cheated, lazy, to conform, or a difficult problem? Understood, guys? So, iska answer aap mujhe kahan denge? Not in the live chat, in the comment section, right after the lecture goes off. और अब हम आते हैं एक अमेजिंग फीचर पे जो अनअकैडमी लेकर आपने सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए. सो दिस फीचर इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप का क्विज फीचर, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको जाना है प्लस पे, फिर टेस्ट पे, और फिर क्विज ज्वाइन करना है वेयर इन एनी डे वेयर इन योर फेवरेट एजुकेटर इज होल्डिंग द क्विज. तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना. पर उससे पहले प्री प्रिपरेशन करने के लिए क्या करोगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके रखना है, ठीक है. And now talking about these special classes, तो Unacademy app download करने के और भी फायदे हैं. Quiz तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ you get to take these free classes, so these special classes which are arranged just for you. So that's my timetable for this week, wherein 4 o'clock on 25th of September, I'm going to take a lecture for class 9. It is going to be a literature drill poems का marathon for class 9. Then उसके बाद 4 p.m. 26th of September. I'm going to take a lecture on grammar probe, basic grammar rules. Again, this is going to be a quiz. Then, uske baad 10 a.m. Sunday ko, I'm going to do a live poll on my childhood for class 9. And 4 p.m. 27th ko, I'm going to do a live poll on the 100 dresses 1 and 2. Now, coming back to the Telegram group. So, yahan pe a lot of people face this problem ki, ma'am, lecture kab hua, pata nahi chala, schedule nahi pata. So, bache, jaldi se group ko join kar lo, which is associated with the link livedaily.me/chat. Quickly get added and you will be getting all the notifications. And the playlist which contains the notes, uska link hai livedaily.me/school. So, yahan pe aapko sare ke sare lectures bhi listed milte hain. Aur uske saath saath notes bhi mil jate hain. So, do not forget this link. Alright. Now, talking about Unacademy subscription aur uske amazing features. So, you get to take live classes, you get to interact with the educator, you have live polls and leaderboard happening, you have test series and analysis, and uske saath saath live doubt clearing session. Aur ye sab kuch aapko milta hai India ke best educator se, jo sirf aapko milta hai Unacademy par. Aur ye sab kuch access karne ke liye jaldi se aapko install kar lo, uske baad plus pe jana, goal choose karna aur subscription lena agar plus join karna chahte ho to. तो यहाँ पे आपको अलग अलग गोल्स दिखते हैं, एज आई टोल्ड यू. तो इफ यू गो फॉर फाउंडेशन एंड एनटीएससी, तो आपके सामने ये 10 years खुलेंगे. इट इज नोवेयर टीचर वाइज और सब्जेक्ट वाइज. एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो सारे के सारे टीचर्स की क्लासेस एक्सेस कर सकते हो जो उस कैटेगरी में पढ़ाते हैं, और सारे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो. तो यहाँ पे एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माई रेफरल कोड विच इज मानसी लाइव. और यहाँ पे आपका एक साल का फाइनल प्राइस हो जाएगा 15,750 या फिर दो साल का 18,900 ओनली. एंड वैसे ही वे प्लान्स फॉर क्लास 9, 10, 11, 12, यहाँ पे भी अलग अलग 10 ईयर्स हैं. और यहाँ पे आपको दो साल का प्राइस पड़ता है सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ 22,500 का. पर ये कब है, जब आप रेफरल कोड याद रखोगे मानसी लाइफ फॉर दैट एक्स्ट्रा 10% वाला डिस्काउंट, और या फिर एक साल का 13,500, बट अगेन रेफरल कोड याद रखना है मानसी लाइफ, क्योंकि तभी ये प्राइस आएगा, वरना 10% से इंक्रीज हो जाएगा, 110% पे करना पड़ेगा, ठीक है. अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, अब किस बात की देरी है, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए. लाइक दिस सेशन इफ यू एक्चुअली एंजॉयड लर्निंग दिस, एंड अनअकैडमी हैज अदर चैनल्स आल्सो, डू नॉट फॉरगेट टू चेक देम आउट एज वेल. नाउ पीपल, आई एम गोइंग टू टेक अ लीव. होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करना कोई नहीं भूलेगा, ऑलराइट. मुझे बहुत सारे आंसर्स देखने हैं इन द कमेंट सेक्शन, और उसके साथ साथ definitely you will be applauded in the next session of class 10, wherein your name would be on the screen if you're the fastest with the correct answer. All right people, so as of now I'm going to take a leave, so see you tomorrow with yet another exciting session. Till then, goodbye, good luck, love you all.